भोजपुरी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म संघर्ष को आज सिनेमाघर में सातवां दिन बीत रहा है और अभी तक इस फिल्म को लोग बड़े उत्साह से देख रहे हैं। एक समय था जब भोजपुरी फिल्मों को एक भी मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर नहीं मिला करते थे और एक समय ऐसा आ गया है जब 40 मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में भोजपुरी फिल्म लगाई गई है। ये सौभाग्य किसी और को नहीं बल्कि खेसारी लाल की फिल्म संघर्ष को प्राप्त हुआ है। जी हाँ, संघर्ष फिल्म की कमाई हो या फिर दर्शकों की पसंद, हर जगह संघर्ष की रेटिंग बढ़ती जा रही है। एक सर्वे के अनुसार और सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली है कि फिल्म के निर्माण में फिल्म मेकर्स ने जितना पैसा लगाया उससे डबल उनको मुनाफा भी हो चुका है और ऑनलाइन इस फिल्म को दर्शकों की तरफ से 80% रेटिंग दी गई है। लेकिन अभी भी इस फिल्म का प्रमोशन करने में फिल्म की टीम पीछे नहीं हट रही। खेसारी अगली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं, उसके बावजूद काजल राघवानी अपनी पूरी टीम के साथ प्रोड्यूसर अवधेश मिश्रा, फिल्म के डायरेक्टरों के साथ बिहार और मुंबई में जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।